गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जुड़ जाएंगे और कमेंट करेंगे कि आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल का क्लास अच्छे स्टार्ट किए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से टेक्निकल इशू के कारण वापस से बंद करना पड़ा था। 10 मिनट का क्लास हुआ था, है ना? तो आज कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जुड़ जाएंगे और सभी लोग कॉमेंट कर देंगे एक बार कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, चलिए एक बार कमेंट कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की नदियां, जो कल करने वाले थे, कल नहीं हो पाया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा क्लास नंबर कौन सा है? 11वां नंबर का क्लास है भाई। चलिए छत्तीसगढ़ की नदियां के बारे में आज हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है? हाँ, कॉमेंट करेंगे भाई, जो जो लाइव आ चुके हैं कॉमेंट कर देंगे एक बार। चलिए ओके भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? तो देखिए, निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? तो छत्तीसगढ़ में जो महानदी का उद्गम है वो कहाँ से हुआ है भाई? राजिम, शिवरी नारायण, सिहावा या फिर महासमुंद? तो कहाँ से हुआ है, ध्यान रखेंगे कहाँ से हुआ है, तो सिहावा धमतरी। कहाँ है और ये? धमतरी, ठीक है? सिहावा धमतरी से हुआ है महानदी का उद्गम, ठीक है? इसको याद रखेंगे। तो महानदी का उद्गम क्या है? सिहावा धमतरी से हुआ है, क्लियर है भाई? हाँ, सभी लोग कमेंट करते जाएंगे। चलिए अगला है फिर, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? पैरी नदी के उद्गम के लिए, या फिर महानदी उद्गम के लिए, शिवनाथ नदी का उद्गम के लिए, या फिर सोनधुर नदी के उद्गम के लिए? तो देखिए, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे महानदी, ठीक है? किसके उद्गम के लिए? महानदी का उद्गम के लिए आपका सिहावा पर्वत धमतरी क्या है? फेमस है भाई, ठीक है भाई? चलिए हाँ, कमेंट करते जाएंगे भाई, जो जो लाइव आ चुके हैं। चलिए हाँ, निर्मला रथिया जी आ गए भाई, पहले का सी नंबर बिल्कुल सही है निर्मला जी। चलिए निर्मला जी बहुत दिनों बाद आई हैं भाई। चलिए क्या होगा, तो इसका महानदी। अगला है फिर, सिहावा नगरी धमतरी में उद्गम होता है, वही क्वेश्चन है। सिहावा नगरी धमतरी में उद्गम होता है, किसका उद्गम होता है? तो महानदी में, महानदी का क्या है? सिहावा धमतरी से उद्गम होता है भाई। चलिए ठीक है ओके, निर्मला रथिया जी कहा गए भाई, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फिर, महानदी इनमें से किससे निकलती है? महानदी इनमें से किससे निकलती है? कांदा श्रृंखला से, गढ़िया पर्वत से, बैलाडीला श्रृंखला से, या फिर सिहावा श्रृंखला से? तो देखिए, महानदी जो का जो उद्गम है वो कहाँ से है? सिहावा धमतरी, याद रखेंगे, सिहावा धमतरी में उद्गम है भाई, ठीक है? सिहावा धमतरी फरसिया की पहाड़ी, फरसिया नामक जगह से निकलता है, इसको भी याद रखेंगे। सिहावा श्रृंखला के फरसिया नामक स्थान से निकलता है, इसको भी याद रखेंगे, क्लियर है भाई? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है? छत्तीसगढ़ राज्य, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी है, तो बताइए शिवनाथ, महानदी, हसदेव या फिर इंद्रावती? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? महानदी। लंबाई कितनी भाई? तो 858 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे कितना है, 858 किलोमीटर। वही शिवनाथ की बात की जाए तो 290 किलोमीटर है, ठीक है? शिवनाथ कितना है? 290 किलोमीटर है। चलिए ठीक है भाई, हाँ, फोर का क्या आ जाएगा? फिफ्थ का आपका आ जाएगा बी नंबर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, महानदी की कुल लंबाई है? महानदी की कुल लंबाई अभी आपको बताया हूँ, महानदी की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 858 किलोमीटर, ठीक है? ध्यान रखेंगे 858 किलोमीटर जो है महानदी की कुल लंबाई, क्या है ये? कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? 246 किलोमीटर, ठीक है? छत्तीसगढ़ में कितना बहता है, तो इसको याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में मात्र बहता है 246 किलोमीटर, क्लियर है भाई? हाँ चलिए कमेंट करते जाएंगे, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है भाई, निर्मला रथिया जी कह रहा है, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट करते जाएंगे। अगला है,
महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, क्या हो जाएगा? 286 किलोमीटर। कितने हो जाएगी? 286 किलोमीटर महानदी की जो है छत्तीसगढ़ में लंबाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। फिर महानदी का एक अन्य नाम है, चलिए बताइए भाई, महानदी का एक अन्य नाम है सनी, स्वर्णरेखा, चित्रोत्पला या फिर मंदाकिनी। तो महानदी का एक और अन्य नाम क्या है भाई? ध्यान देंगे, महानदी का एक और अन्य नाम क्या है? तो याद रखेंगे, क्या कहते हैं? चित्रोत्पला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रोत्पला भी महानदी का ही नाम है। हाँ, प्रियंका कोरते जी आ गए भाई, बिल्कुल सही है। चलिए 858 किलोमीटर। ओके भाई, तो महानदी का एक और नाम क्या होगा? चित्रोत्पला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। फिर महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में या फिर वायु पुराण में। तो किस महापुराण में जो है, किस महापुराण में जो है नीलोत्पला नामक का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, कौन से पुराण में किया गया है? वायु पुराण में उल्लेख किया गया है कि नीलोत्पला नामक क्या है, महानदी का नाम क्या है? नीलोत्पला है। यह किस में मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, प्रियंका जी का बिल्कुल सही आ गया भाई, 9 का D। अगला है फिर, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? चलिए, महाभारत काल में जो महानदी है उसका नाम क्या था आपको कमेंट में बताना है, कावेरी, ताप्ती, महानंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महानदी का जो महान सतयुग में क्या कहते थे? सतयुग में कहते थे नीलोत्पला। ठीक है, नीलोत्पला कहाँ कब कहते थे? सतयुग में। और उसके बाद है आपका द्वापर, द्वापर या फिर महाभारत काल, है ना? द्वापर या फिर क्या है, महाभारत काल में क्या कहा जाता था? चित्रोत्पला कहा जाता था, चित्रोत्पला कहा जाता था। क्लियर है? उसके बाद वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में कहा जाता है आपका महानदी। ठीक है, वर्तमान में क्या कहा जाता है? महानदी कहा जाता है। तो आपको क्या पूछा है भाई, आपको क्या पूछा है? महाभारत काल। तो क्या हो जाएगा? महाभारत काल में इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। हाँ, अनुसुईया जी भी आ गए भाई, गुड इवनिंग अनुसुईया जी। चलिए कमेंट कीजिए भाई, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है। फिर महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी, अभी आप लोगों को बताया, महानदी सतयुग में कौन से नाम से प्रचलित थी? तो ध्यान रखेंगे, नीलोत्पला नाम से प्रचलित थी, है ना? वहीं द्वापर में चित्रोत्पला, ठीक है, वर्तमान में महानदी। तो क्या होगा? महानदी सतयुग में नीलोत्पला नाम से फेमस थी। ठीक है भाई, चलिए। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी या फिर दूध नदी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर गंगा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? महानदी को ही छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? गंगा कहा जाता है। क्लियर है भाई? चलिए ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, प्रियंका, अंजलि, सॉरी अंजलि नहीं है, अनुसुईया, प्रियंका। ठीक है भाई, चलिए अगला है। फिर कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। देखिए कथन क्या कह रहा है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर है कारण, कारण आपको दिया है, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो देखिए, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, बिल्कुल गलत है, सिर्फ इसका क्या है, कथन ही सही है। तो क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों सही है, बिल्कुल गलत, कारण सही नहीं है भाई, कथन कारण दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है लेकिन क्या है, कारण बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, चलिए। हाँ ओके, अगला है। फिर निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो महानदी को कहते हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, क्या होगा? महानदी। ठीक है, चलिए अगला है। छत्तीसगढ़ का शहर जहां तीन नदियों, छत्तीसगढ़ का शहर जहां तीन नदियों का संगम है, आरंग, राजनांदगांव, सरगुजा या फिर राजिम। तो देखिए, कौन सा शहर है जहां तीन नदियों का संगम है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर है जहां तीन नदियों का संगम है? ऑप्शन में बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? राजिम हो जाएगा। राजिम होगा भाई, कौन कौन सी नदी? तो ध्यान रखेंगे, महानदी,
प्लस पैरी नदी और है आपका सुंडूर नदी। क्या हो जाएगा? सुंडूर नदी। ठीक है भाई, तो तीन नदी होगा। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है भाई। संत कुमार भगत जी का भाई जोहार सर, जोहार भाई जोहार। चलिए ओके, महानदी पैरी सोंडूर, हाँ ठीक है भाई। अगला है फिर, राजिम स्थित त्रिवेणी संगम, अभी आपको बता दिया। देखिए राजिम राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी तीन नदियां मिलती है? तो क्या हो जाएगा आपका? सोंडूर, महानदी, खारून, गलत हो जाएगा। शिवनाथ, शिवनाथ नहीं होगा। महानदी, खारून, खारून, शिवनाथ नहीं होगा। तो क्या होगा? पैरी, सोंडूर और महानदी। क्लियर है भाई? चलिए हाँ, डी नंबर बिल्कुल सही भाई, देखते ही आंसर लगाना है ना। चलिए अगला है, महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? महानदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो देखिए महानदी के संगम पर पूछ रहे हैं ना, तो संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? राजिम स्थित है, बिल्कुल सत्य है। शिवरी नारायण स्थित है, बिल्कुल सत्य है। आरंग, आरंग नहीं है ना, आरंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? चंद्रपुर भी है, बिल्कुल सत्य है। तो देखिए राजिम में कौन कौन सी नदी है, ध्यान रखेंगे। राजिम में जस्ट बताया सोंडूर, सोंडूर, पैरी, पैरी और है आपका क्या है? महानदी। ठीक है महानदी। फिर है आपका शिवरी नारायण में महानदी, महानदी। फिर हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी, शिवनाथ होगा। और एक क्या होगा आपका? जोंक नदी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जोंक नदी होगा भाई। उसके बाद आरंग में नहीं है ना, तो चंद्रपुर में कौन सा हो जाएगा आपका? महानदी प्लस लात नदी, महानदी, लात नदी और क्या हो जाएगा? मांड नदी। ठीक है, तो ये तीनों नदी का संगम है, इसको देख लेंगे भाई क्या होगा। बिल्कुल सही है। चलिए तो महानदी के संगम पर कौन सा स्थित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आरंग होगा। क्लियर है। चलिए अगला है फिर, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम को कहते हैं ना। देखिए संगम यहाँ भी होता है, संगम यहाँ भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रयाग अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे राजिम को कहते हैं। राजिम कहाँ है? तो गरियाबंद जिले में है। कहाँ स्थित है? गरियाबंद जिले में स्थित है भाई राजिम, ध्यान रखेंगे है ना, गरियाबंद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है भाई, हाँ ओके। क्या भाई सभी क्वेश्चन हर एचआर बेस्ड से लिए गया है क्या सर जी? नितेश नेताम, हाँ भाई सभी क्वेश्चन जो है एचआर का बुक से ही है ना, टॉपिक टू टॉपिक बुक का ही मैं करा रहा हूँ। इसमें अपने हिसाब से इसमें एडिट नहीं किया हूँ, ज़्यादातर कुछ कुछ क्वेश्चन में किया हूँ, लेकिन बुक के हिसाब से आपको करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है भाई, चलिए और किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से और डालता हूँ जो नया नया मिलता है मुझे। ठीक है, चलिए हाँ, आज 11वां क्लास है भाई, टॉपिक वाइज जो हरिराम बुक का पढ़ा रहे हैं ना उसका 11वां क्लास है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो देखिए दक्षिण से क्या लेकर उत्तर की ओर जमाना है कि महानदी के तट पर कौन कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, पलारी। ये गलत हो जाएगा भाई, पलारी लास्ट में नहीं होगा। फिर है राजिम, राजिम के बाद सिरपुर, फिर पलारी, फिर शिवरी नारायण, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? तो यही सही है क्या? हाँ राजिम के, हाँ राजिम सही है, उसके बाद सिरपुर बिल्कुल सही है, पलारी, फिर शिवरी नारायण। उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, क्या है? दक्षिण से उत्तर, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा भाई। चलिए कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर भाई। दक्षिण से उत्तर आपको जमाना है। ठीक है भाई, क्या है? दक्षिण से उत्तर, तो क्या होगा? राजिम, राजिम के बाद सिरपुर आएगा आपका, उसके बाद पलारी आएगा, पलारी महासमुंद में है ध्यान रखेंगे, उसके बाद शिवरी नारायण आ जाएगा। ठीक है, जांजगीर चांपा में आपका शिवरी नारायण। ठीक है, चलिए अगला है फिर, सही युग्मा है, सही युग्मा आपको बताना है भाई। देखिए राजिम, राजिम में कौन कौन सी नदी? महानदी, पैरी और सोंडूर। उसके बाद है शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ, लात, या फिर चंद्रपुर महानदी, मांड और जोंक, या फिर चांपा महानदी, हसदेव और सोन। कौन सा युग्म सही है आपको बताना है, कौन सा युग्म सही है भाई? तो ध्यान देंगे, हाँ डिकेश्वरी भी आ गए भाई, ए नंबर बोल रहे हैं। चलिए तो देखिए क्या होगा,
राजिम में कौन कौन सा नदी है? महानदी, पहरी, सुंदूर, बिल्कुल सही है भाई। देखिए ये इसमें क्या होगा, शिवरी नारायण में कौन कौन सा है, तो महानदी बिल्कुल सही है, शिवनाथ बिल्कुल है, लात की जगह में आपका हो जाएगा मांड नदी, ठीक है, मांड नदी होगा। और यहाँ चंद्रपुर में महानदी सही है, फिर है आपका यहाँ देखिए मांड की जगह में क्या आना था, यहाँ लात आना था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और जो बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, चलिए ठीक है भाई। हाँ जोंक होगा सर, ठीक है भाई। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिला में तेल नदी प्रवाहित होती है? देखिए आपको जिला पूछा है ना, छत्तीसगढ़ के किस जिला में तेल नदी प्रवाहित होती है, तो देखिए देवभोग, देवभोग तो जिला ही नहीं है ना, नगरी है नहीं, ये भी नहीं है, फिर क्या है सरायपाली, ये भी जिला नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गरियाबंद जिला में है भाई, ठीक है, गरियाबंद होगा, चलिए बिल्कुल सही है, तो गरियाबंद जिला में आपका जो तेल नदी है वो क्या है प्रवाहित होती है। चलिए अगला है, फिर तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? देखिए तेल नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो गरियाबंद, गरियाबंद क्या है हो जाएगा, गरियाबंद जिला होगा, लेकिन आपको क्या पूछा है, तहसील पूछा है ना, तो कौन से तहसील के अंतर्गत जो है तेल नदी का प्रवाह होता है, क्लियर है भाई। हाँ बी नंबर आ रहा है भाई, यामिनी साहू जी भी आ गए भाई, देवभोग तहसील कमेंट कर रहे हैं, चलिए तो कौन से तहसील होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखेंगे देवभोग तहसील के अंतर्गत आपका दूध तेल नदी का प्रवाह होता है, ठीक है। चलिए अगला है, महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है कौन कौन है भाई बताएंगे, महानदी की सहायक नदी है खारून नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी या फिर केलो नदी, तो महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखिए खारून आपका हो जाएगा शिवनाथ का सहायक है, ठीक है, उसके बाद मनियारी भी शिवनाथ का है, और केलो किसका है, ठीक है, केलो किसका भाई कमेंट करेंगे, केलो किसका सहायक नदी है, चलिए डी नंबर आ रहा है भाई, केलो आ रहा है ना, डी होगा, ठीक है। और अरपा भी किसके है, अरपा भी शिवनाथ की है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, महानदी का सहायक आपका अरपा होगा, ठीक है भाई, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, चलिए ठीक है, सभी लोगों का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर, केलो नदी महानदी का सहायक है। चलिए अगला है, फिर छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर है, 70,858, 65,580 या फिर 63,056 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो महानदी बेसिन का विस्तार है लगभग कितने किलोमीटर स्क्वायर फीट में है, तो ध्यान रखेंगे लगभग 77,000 है ना, इसके आसपास है, थोड़ा सा एग्जैक्ट डाटा, ठीक है, लगभग कितना है 77,000 के आसपास है, ठीक है भाई, चलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, जिनको भी पता है भाई एग्जैक्ट डाटा वो कमेंट में कमेंट कर देंगे कितना है ना, 77,000 और कुछ है, ठीक है, चलिए ठीक है। अगला है, फिर महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं, तो महानदी की कौन कौन सी सहायक नदी है बताएंगे, देखिए इंद्रावती किसका हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका गोदावरी का है ना, तो गोदावरी हो गया, सबरी भी किसका है गोदावरी का है, तो दोनों कट जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, शिवनाथ महानदी की सहायक है बिल्कुल सही है, हसदेव महानदी की सहायक है बिल्कुल सही, दो और तीन, तो किसमें है दो और तीन, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, किसमें है दो और तीन, ऑप्शन नंबर बी में है भाई, चलिए डी आ रहा है भाई कई लोगों का, दो और चार, महानदी की सहायक नदी आप पूछ रहे भाई, सबरी किसकी है, ये तो किसकी हो जाएगी, ये आपके गोदावरी की हो जाएगी है ना, तो चार कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, जिनका चार आ रहा है भाई वो सुधार लेंगे, ठीक है भाई, सुशीला जी का बिल्कुल सही है, डिकेश्वरी संत, हाँ तो क्या होगा इसका राइट आंसर, दो और तीन, ठीक है, चलिए अगला है, फिर महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है, तो महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है, तो किसमें विस्तृत है भाई, महानदी का जो मैदान है वो क्या है मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है ना, मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल सही भाई, ओके। हाँ किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है या फिर ऑप्शन गलत लगता है तो कमेंट जरूर करेंगे है ना, कि ऑप्शन गलत है या फिर
आंसर गलत है, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा भौतिक भाग, छत्तीसगढ़ ए सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो देखिए, कौन सी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? शिवनाथ का मैदान, हसदेव का मैदान, महानदी का मैदान या फिर इंद्रावती का मैदान? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिसका क्षेत्रफल है कौन सी नदी का है? महानदी के मैदान का। लगभग कितना है? 77,000 है, ठीक है। और परसेंटेज में बात किया जाए तो 56.15, ठीक है, इसको याद रखेंगे। परसेंटेज में पूछेगा तो 56.15 होगा और वर्ग किलोमीटर में पूछेगा तो आपका लगभग 77,000 के आसपास है, ठीक है भाई। चलिए, संत कुमार जी कहा भाई, सर आपका क्लास कहाँ से चल रहा है? हाँ ठीक है भाई, हमारा क्लास जो है कवर्धा से लाइव है ना, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से लाइव है, ठीक है। और कुछ किसी को और कुछ पूछना है भाई? हाँ ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, महानदी निम्न में से किस जिले से, महानदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं बहती? रायपुर से होकर बहती है, धमतरी से तो उद्गम ही है, महासमुंद से बहती है, पलारी महासमुंद में है, ठीक है। तो क्या होगा? सरगुजा से नहीं जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सरगुजा से होकर नहीं बहती है, क्लियर है भाई। चलिए अगला है, रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे स्थित है? तो रायगढ़ जो नगर है किस नदी के किनारे स्थित है? केलो नदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी या फिर दूध नदी? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, इंद्रावती नदी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा होगा, इंद्रावती नदी के किनारे दंतेवाड़ा। शिवनाथ के किनारे कौन सा हो जाएगा आपका? दुर्गा हो जाएगा, दुर्गा होगा। वही दूध नदी कहाँ बहती है? तो ये कांकेर में बहती है, ठीक है, कांकेर होगा। और आपका जो रायगढ़ है वो केलो नदी के तट पर है ना, और केलो किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक है, ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? केलो नदी महानदी की सहायक है, ठीक है भाई। चलिए अगला है फिर, निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? पंडरापाट को, मैनपाट को, मनुरा को या फिर देवगढ़ को? तो देखिए किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला? मैनपाट को कहते हैं। 1962 में यहाँ क्या किए थे? तिब्बत से शरणार्थियों को बसाया था, है ना, ध्यान रखेंगे। तिब्बती शरणार्थियों को कहाँ बसाया था? मैनपाट में। कब, क्यों बसाया था भाई? तो भारत भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 1962 में। तो जो वहां से तिब्बत से शरणार्थी भागकर आ गए थे, दलाई लामा के जो रिलेटेड रहते हैं ना वो लोग, तो ठीक है भाई। सीतू बघेल जी भी अभी आ रहे हैं भाई, नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई सीतू बघेल, ठीक है भाई। आप उस दिन टाइम पूछ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है करके, भाई फिर भी आप लेट हो गए हैं ना, चलिए कोई बात नहीं। अगला है, ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी किलोमीटर है? तो ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी किलोमीटर है? 102 किलोमीटर, 202 किलोमीटर, 82 किलोमीटर या फिर 87 किलोमीटर? तो देखिए ईब नदी की टोटल लंबाई की बात की जाए तो 202 किलोमीटर है ना, वहीं अगर छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है यह पूछा जा रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा? 187 किलोमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 187 किलोमीटर, क्लियर है भाई। चलिए हाँ बिल्कुल सही भाई सुशीला, संत कुमार, प्रियंका, डिकेश्वरी, सीतू बघेल, डीके, हाँ सभी लोगों का बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट है, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो रायगढ़, ये देखिए रायगढ़ ही हो जाएगा, रायगढ़ क्या हो जाएगा? केलो नदी के तट पर है। बाकी आपका सिरपुर, शिवरी नारायण और राजिम क्या है? सभी महानदी के तट पर बसा है, ठीक है। चलिए अगला है फिर, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? मांड नदी का, हसदो नदी का, ईब नदी का या फिर अरिहन नदी का? तो देखिए खुर्जा पहाड़ी कहाँ है ये ध्यान रखेंगे, तो खुर्जा पहाड़ी है आपका जसपुर में। कहाँ है? जसपुर में स्थित है भाई।
और जसपुर के जो खुर्जा पहाड़ी से है कौन सी नदी का इदगा क्या हो जाएगा, इब नदी। ठीक है भाई, इब नदी का उद्गम होगा। हाँ इब नदी आ रहा है भाई, बिल्कुल सही है, खुर्जा जसपुर इब नदी। चलिए ठीक है, आगे देखें फिर। इब नदी का उद्गम स्थान है, वो इब नदी का उद्गम स्थान है खुर्जा पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी, कैमूर पर्वत, मैकल पर्वत। तो खुर्जा पहाड़ी का क्या होगा, एक सॉरी खुर्जा पहाड़ी कहां से हो जाएगा, इब नदी का। ठीक है, जसपुर में है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, इब नदी निम्नलिखित, इब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होता है। तो देखिए इब नदी का जो उद्गम है वो तो आपका पता है जसपुर से होता है, जसपुर खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। लेकिन किस स्थान से, स्थान की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, रानी झूला। क्या होगा इसका राइट आंसर, रानी झूला नामक स्थान से होता है। ठीक है भाई, डी आ रहा है भाई कई लोगों का, रानी झूला प्रियंका जी का भाई बिल्कुल सही है, अनुसुईया डिकेश्वरी का बिल्कुल सही आ रहा है भाई, रानी झूला राइट होगा। ठीक है चलिए अगला है फिर, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लूनी नदी, महानदी, नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी। तो देखिए ताप्ती, नर्मदा और लूनी ये कहाँ गिरती है, ये आपका गिरती है खंभात की खाड़ी में, है ना, खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, खंभात की खाड़ी में। और जो है आपका महानदी, महानदी कहाँ गिरता है, ये गिरता है आपकी बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है भाई, चलिए ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन है फिर, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है। लगभग 70%, लगभग 55%, लगभग 36% या फिर लगभग 45%। तो देखिए वर्ग मीटर में बात किया जाएगा तो आपका होता है 77,000। ठीक है, वहीं आपका प्रतिशत में बात किया जाए तो होता है आपका 56.15, लेकिन आपको लगभग में पूछा है तो किसके पास में हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, लगभग में आपका 55% हो जाएगा। क्लियर है भाई, हाँ चलिए बिल्कुल सही भाई, मिस टमेश साहू जी भी आ गए भाई, डिकेश्वरी, सुशीला। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अपवाह तंत्र में शामिल है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या होगा 56.15%। क्लियर है, चलिए हाँ भाई एक ठीक है ओके भाई। कल क्लास नहीं हो पाया था, इसका रीजन ये था कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था भाई, और हम लोगों ने कल क्लास स्टार्ट भी किया था ना, लगभग 10 मिनट का क्लास हो चुका था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, फिर क्लास क्या था बंद करना पड़ गया था। क्लियर है, जो जो कल जुड़े वो उनको पता भी होगा, स्टार्टिंग में 10 मिनट चला भी था, है ना। ठीक है चलिए अगला है फिर, मांड और महानदी के संगम, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। तो देखिए मांड और महानदी का संगम कहाँ होता है, तो ध्यान रखेंगे चंद्रपुर में होता है, कहाँ होता है चंद्रपुर में होता है, और चंद्रपुर में आप सभी को पता है चंद्रहासिनी देवी माता का मंदिर स्थित है। क्या हो जाएगा, चंद्रहासिनी देवी माता का क्या है भाई, मंदिर स्थित है। क्लियर है भाई, चलिए ठीक है ओके भाई। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा हमारा, महानदी। टोटल लंबाई की बात की जाए तो 858 किलोमीटर हो जाएगा आपका, और छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो आपका होगा ये 286 किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना बहता है तो 286 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उद्गम की बात किया जाए तो धमतरी के कहाँ से, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से होता है, इसको भी याद रखेंगे भाई। ठीक है चलिए अगला है फिर, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है।
खारून नदी के तट पर, पैरी नदी के तट पर, महानदी के तट पर या फिर अरपा नदी के तट पर? तो ध्यान रखेंगे जो गंधेश्वर महादेव का मंदिर है वो आपका महानदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे महानदी के तट पर स्थित है भाई। चलिए बिल्कुल सही है भाई। क्या भाई? सिरपुर, 41 का सी आ रहा है भाई, महानदी। हाँ ठीक है भाई, गंधेश्वर महादेव का जो मंदिर है कहाँ है? ठीक है हाँ। चलिए सभी लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। जोंक नदी का उद्गम स्थल है, जोंक नदी का उद्गम स्थल है मैनपुर का पठार, मलेवा का मलेवा डोंगर, लैलूलुंगा का पठार या फिर सोनबेरा का पठार? तो देखिए जोंक नदी का उद्गम कौन सा है? जोंक नदी जो है, जोंक नदी है ये महानदी में जाकर, महानदी में जाकर कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखेंगे सिवरी नारायण में। कहाँ मिलती है? सिवरी नारायण। तो महानदी जो है सिवरी नारायण में जाकर मिलती है भाई, इसको याद रखेंगे है ना। महानदी में जोंक नदी जाकर सिवरी नारायण में मिलती है, और जो जोंक नदी का उद्गम है वो सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार कहाँ है? तो याद रखेंगे ओडिशा में है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है सोनबेरा का पठार, वहीं से आपका जोंक नदी का उद्गम होता है। क्लियर है भाई? चलिए ओके अगला क्वेश्चन है फिर। छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र है? छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र है? 3, 4, 5 या फिर 9? तो देखिए छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र है? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे भाई, छत्तीसगढ़ में कुल कितने नदी अपवाह तंत्र है? सभी लोग कमेंट करेंगे हाँ ठीक है भाई। 5 आ रहा है 5 आ रहा है। 435 आ गया भाई सरवन जी, 435। हाँ 43 का 5 है ना, एक साथ लिख दिया है भाई 43 और 5 को, है ना ठीक है। क्या है? 43 का 5 मतलब 5 ठीक है। कौन कौन सा नदी अपवाह तंत्र है? तो ध्यान रखेंगे एक है आपका महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा है गोदावरी अपवाह तंत्र, और है आपका सोन नदी अपवाह तंत्र ठीक है, सोन गंगा अपवाह तंत्र, और एक है आपका कौन सा है भाई एक और क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी है ना, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल 5 नदी अपवाह तंत्र है ठीक है। चलिए सही है भाई। चलिए कमेंट करेंगे मंगल साईं जी भी आ गए भाई, गोदावरी और ब्राह्मणी ठीक है भाई, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। चलिए और सबसे ज्यादा जो बड़ी अपवाह तंत्र है वो किसका है? तो महानदी का सबसे बड़ा है, ध्यान रखेंगे कितना है 56.15 हेक्टेयर में बात किया जाए, तो वर्ग मीटर में बात किया जाए, वर्ग किलोमीटर में, तो 77,000 वर्ग किलोमीटर लगभग ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर। छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी, छत्तीसगढ़ की अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी अवस्थाओं पर आधारित है। महानदी बिल्कुल सत्य है, गोदावरी नदी बिल्कुल सत्य है, गंगा नदी बिल्कुल सत्य है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त में से सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त में से सभी। क्लियर है भाई? चलिए ठीक है भाई, ऑल इज राइट है ना। और हमारा हमारे चैनल पर रोज करंट अफेयर का क्लास रोज 6:30 बजे मॉर्निंग में है ना, 6:30 बजे मॉर्निंग में AM पर होता है भाई। तो आप वहां से अपने छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर की तैयारी है अच्छे से कर सकते हैं। दिनेश सर का क्लास रहता है भाई, दिनेश सर का क्लास रहता है करंट अफेयर का, तो आप रोज सुबह 6:30 बजे वहां से आप ज्वाइन करके हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना करंट अफेयर और भी बेहतरीन कर सकते हैं ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का नाम है, बिल्कुल सत्य है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सत्य है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्लावित है। तो क्या है? तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। क्या होगा? किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है, तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्लियर है भाई? चलिए ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं तक करते हैं क्योंकि आज का क्लास पूरा हो चुका है ठीक है।
45 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं आज, और जो जो लेट आते हैं भाई वो अपना टाइमिंग ध्यान रखेंगे। कितना बजे? तो 9 बजे रोज रात को 9 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है ना। तो कोई कोई दिन अगर क्लास नहीं लगता है तो उसका रीजन ये रहता है कि सर्वर प्रॉब्लम या फिर और किसी कारण से होता है, बाकी क्लास हमारा डेली बेसिस पर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आप लोग शेयर कम करते हैं है ना, और लाइक करके जाएंगे भाई सभी लोग। ठीक है भाई, लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।